हमारे छात्र जो हैं कहीं ना कहीं इतना मेहनत से पढ़ते हैं और इस तरह जो पेपर लीक कर दिया जाता है कुछ चंद पैसों के लिए, बड़े बड़े लोग के लिए वो चंद ही पैसा है। वो तो सुने में आया है 40 लाख 50 लाख रुपये में डील हुआ है। जब वो सीओ बनते, वीडियो बनते तो ईमानदारी से काम करते हैं। आज अगर जो पैसा लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं कल जब वो पोस्ट पर आएगा तो इससे 10 गुना पैसा निकालने का कोशिश करेगा। और जिला के साथ साथ गोमिया विधानसभा में दौरा करने का मौका मिल रहा है और उसी के तहत हम लोग पूरे गोमिया विधानसभा में दौरा चल रहा है। खेल कराने के पीछे जो मेरा मकसद था वो पूर्ण रूप से सफल हुआ और हम इसी में हम और हमारी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्षा दोनों आज बहुत खुश। जानते हैं कि इस खेल में हमारा मात्र 1 रुपया लगा है, ऐसा भी नहीं है कि फ्री, हम लोग 1 रुपया एंट्री फीस के नाम से हम लोग लिए। 1 रुपया में ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहा है, क्या इनमें कोई राजनीतिक तो नहीं है? खिलाड़ी लोग फाइनल में पहुँचे हैं जो बड़े पैसे पर एंट्री दे करके नहीं खेल सकते थे। हेमंत सोरेन की सरकार आए थे तब बहुत सारे वादे किए थे कि हम 5 लाख की नौकरियां देंगे। चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, मैया सम्मान योजना और बहुत सारे योजना ला रहे हैं। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं झारखंड की बात। और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है चित्रंजन साहु जी और जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी जी, जो कि आज गोमिया में एक फुटबॉल कार्यक्रम रखा गया है और दादा ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है जो कि मात्र 1 रुपया में ये फुटबॉल कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि हर एक टीम के पास 1 रुपया लिया जा रहा है और ये फुटबॉल कार्यक्रम इनके द्वारा किया जा रहा है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। दादा जोहार। जोहार आपके चैनल को भी जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार। कैसा लग रहा था दादा, हजारों की संख्या में आज लोग यहाँ पे देखने आए हैं, फुटबॉल ग्राउंड में पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए हमारे क्षेत्र के लोग बड़ा उत्साह से इस खेल को देख रहे हैं और खिलाड़ी भी बड़ा उत्साह के साथ इस खेल को खेल रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि इस खेल में हमारा मात्र 1 रुपया लगा है, ऐसा भी नहीं है कि फ्री, हम लोग 1 रुपया एंट्री फीस के नाम से हम लोग लिए हैं। दादा इसमें फर्स्ट प्राइज़ क्या कुछ है? फर्स्ट प्राइज 15,000 है और सेकेंड प्राइज आपका 10,000 है और बाकी कुछ जो उससे नीचे हैं उन लोग को 1,000 है, बाकी गोल्ड है, शील्ड है, बहुत सारे प्राइज है। गोमिया विधानसभा में आप अच्छा खासा दौरा भी कर रहे हैं अभी, जो कि विधानसभा अभी चुनाव है, क्या कुछ अभी चुनाव का तैयारियां चल रहा है, क्या कुछ नहीं? देखिए मेरा ये दौरा तो बहुत आज 2 साल से जिस दिन से जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है उस नाते हमको पूरे जिला में और जिला के साथ साथ गोमिया विधानसभा में दौरा करने का मौका मिल रहा है और उसी के तहत हम लोग पूरे गोमिया विधानसभा में दौरा चल रहा है। अभी क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा जिला में कम घूम रहे हैं और अपने विधानसभा में ज़्यादा घूम रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं। दादा आप जो 1 रुपया में ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं, क्या इनमें कोई राजनीतिक तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, ऐसे इसमें कोई किसी तरह का किसी भी जाति किसी समुदाय के लोग किसी भी गोमिया विधानसभा के किसी भी 64 पंचायत के किसी भी पंचायत के लोग आए हैं और यहाँ पर एंट्री लिए हैं और उनको साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप किसके समर्थक हैं, इसमें कहीं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। सिर्फ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे जो खिलाड़ी जो गोमिया विधानसभा के खिलाड़ी आज भी खेल के में बहुत पीछे हैं उनको जगाने का काम किए हैं और ये बताने के काम किए हैं कि यहाँ पर इस तरह का भी खेला कराया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए दादा, क्योंकि छोटे छोटे गांव से इस तरह से फुटबॉलर बहुत सारे प्लेयर जो निकलते हैं और झारखंड टीम के लिए, भारत टीम के लिए, अपने देश के लिए खेलते हैं, क्या कुछ कहना है? वही तो कहना है कि हमारे गांव में एक ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको अच्छा खेल सकते हैं लेकिन उनको एंट्री फीस अगर 5,000 रखते हैं तो वो नहीं खेल पाते, वो अपने जो मेहनत किए हैं वो हज़ारों लोग नहीं देख पाते। आज देख लीजिए हरदियामो जैसे जगह जो पहाड़ी से सटा हुआ है, आप सियारी देखिए, सियारी जैसे जगह और उभर करके आए और दोनों अब फाइनल खेल रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड प्राइज वही लोग को लेना है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये खेल कराने के पीछे जो मेरा मकसद था वो पूर्ण रूप से सफल हुआ और हम इसी में हम और हमारी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्षा दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि
ऐसे खिलाड़ी लोग फाइनल में पहुंचे हैं जो बड़े पैसे पे एंट्री दे करके नहीं खेल सकते। छात्र जो हैं कहीं ना कहीं इतना मेहनत से पढ़ते हैं और इस तरह जो पेपर लीक कर दिया जाता है कुछ चंद पैसों के लिए, बड़े बड़े लोग के लिए वो चंद ही पैसा है, वो तो सुने में आया है 40 लाख 50 लाख रुपये में डील हुआ है, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं उनके लिए चंद पैसा ही है। उन लोग को ये सब काम से दूरी करना चाहिए, साफ़ सुथरा परीक्षा करवाना चाहिए। ऐसे लोग कराने से क्या होता है कि जो पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, वो लोग छट करके आते तो जब वो सीईओ बनते, वीडियो बनते तो ईमानदारी से काम करते हैं। आज अगर जो पैसा लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं कल जब वो पोस्ट पर आएगा तो इससे 10 गुना पैसा निकालने का कोशिश करेगा और ये पूरा जनता का ही भार होगा। चितरंजन जी, महिला सम्मान के नाम में महिलाओं को रिझाया जा रहा है सभी पूरे झारखंड भर में और आप खेल करके युवाओं को रिझा रहे हैं, क्या अंतर पा रहे हैं दोनों में? देखिए, हम जो रिझा रहे हैं वो रिझा नहीं रहे, लोगों को हम जगा रहे हैं और जगाने के काम कर रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते रहे हैं कई एक वर्षों से और यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार ठगते रहे हैं, इसलिए हम रिझा नहीं रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं और जगा रहे हैं। और रही बात मैया सम्मान योजना, तो ये अच्छी बात है, अच्छी योजना है, लेकिन 2-3 महीना क्यों, जब उनकी सरकार बने हुए 5 साल हो गई तो दे दीजिए ना 12-25, 60-60 हज़ार रुपया। अभी दुर्गा पूजा का माहौल है, फिर आप ही की सरकार बनेगी, क्यों नहीं। और आप अगर 2-3 महीना दिए हैं तो कहीं ना कहीं आज देखिए हमारे भाजपा के लोग बोल दिए कि हम दीदी गोगोई योजना लाएंगे और 2100 रुपया देंगे, तो आप तो फेल हो गए। आप 1000 दे रहे हैं, वो 2100 का घोषणा देगा, आप तो बिल्कुल विफल हो गए, कहीं ना कहीं अब वोट उसकी तो और भागेगा। इसलिए अगर यदि आपको जनता के प्रति और महिलाओं के प्रति इतना सम्मान देना है और जगाना है तो आप जोड़ करके 5 साल राज किए हैं, आप उनको 1000 रुपये के हिसाब से दे देगा। ये चुनावी एजेंडा है, बिल्कुल चुनावी एजेंडा है और ये सब चीज़ों से लोगों को, जनता को भी बचना चाहिए और जो ऊपर लेवल पर शीघ्र लेवल पर नेतृत्व करते हैं उसको भी बचना चाहिए। आप रोजगार से लोगों को कैसे जोड़िएगा उस पर बात कीजिए, आप पेपर लीक नहीं होगा उस पर बात कीजिए, यहाँ के जो स्थानीय खतियानी लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कैसे मिले उस पर बात कीजिए। आप 1000 देकर कहीं ना कहीं निकम्मा बनाने का काम कर रहे हैं, आप रोजगार से जोड़िए ना साहब, आप बड़े बड़े उद्योग खोलिए ना, आप जितना उद्योग प्लांट है जो है वो बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए ना, स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए ना। आप 75% बोलते हैं कि स्थानीय लोगों को मिलता है, आप किसी भी प्लांट में चले जाइए, बोकारो जिला में, पूरे झारखंड में कहीं भी जाइए, कहीं भी 75% नहीं है, 25% लेते हैं, 75% बाहरी लोग को लिया जाता है, यही तो बात है। तो ये सब कहीं ना कहीं जगने की आवश्यकता है और विशेष करके जब तक ये जनता नहीं जगेगी तब तक जनप्रतिनिधि को क्या, 4.5 साल तक लूटेंगे, 6 महीना आके लोगों से मिलेंगे और फिर अपना झोली भर लेंगे। जिला अध्यक्ष सुनीता देवी जी मेरे साथ अभी मौजूद है, चलिए दीदी से अभी कुछ सवाल अभी पूछते हैं कि ये जो टूर्नामेंट अभी कर रहे हैं अभी क्या कुछ उद्देश्य है इनका, क्या कुछ नहीं? दीदी जोहार। दीदी देखिए, हम युवा लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि वो हमारे गोमिया विधानसभा के युवा लोग बहुत पीछे हैं, तो हम चाह रहे हैं सब युवा लोगों को हम जगा रहे हैं और जागे और झारखंड लेवल में, जिला लेवल में खेल। सोरेन की सरकार आए थे तब बहुत सारे वादे किए थे कि हम 5 लाख की नौकरियां देंगे, बहुत सारे ये देंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, मैया सम्मान योजना और बहुत सारे योजना ला रहे हैं, क्या कुछ कहना है इनके बारे में? देखिए, ये तो लॉलीपॉप है, अभी चुनाव आया है तो लॉलीपॉप दे रहे हैं और ठगने का काम कर रहे हैं, तो इतना दिन 5-4.5 साल कहाँ थे, अभी जब 2-3 महीना बचा हुआ है तो सबको लॉलीपॉप दे रहे हैं, उतना दिन आप लोग कहाँ थे, जब वोट लिए मुख्यमंत्री बने उसमें 5 साल कहाँ थे, उसमें क्या आप वोट नहीं लिए थे उन लोगों का, तो अभी जगाने का काम कर रहे हैं, तो हमारे जो जनता है उतना बुड़बक नहीं बचे हुए हैं, अब तो जनता जवाब देगी। अच्छा, महिला को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि उनको 1-1 हज़ार अभी उन लोगों खाते में पैसा वगैरह आ रहा है, क्या लग रहा है कि ये? देखिए, महिला लोग को क्या है, अभी मिल रहा है ले लेगी, महिला लोग को जो मन करेगा वही करेगी, महिला जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि महिला चाह लेगी तो कुर्सी मिलेगा और नहीं तो ज़मीन में बैठा देगी, महिला ऐसा है, महिला जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी, लेकिन मिल रहा है तो क्या छोड़ेगी, 5 साल उन लोग वोट दे के बनाए हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि जो मिला है आ रहा है ले ले। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार दादा, जोहार जोहार।